फ्रांस की राजधानी पेरिस में जीन और पियर नाम के दो लड़के रहते थे। वे इतने आलसी थे कि उन्होंने काम करने के बजाय भीख मांगना पसंद किया। एक दिन सड़कों पर घूमते हुए पियर ने कहा, पेरिस को हम पर गर्व होना चाहिए। देखो, मेरी कमीज में 23 छेद हैं। जीन ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि वह अपने खाली पेट के बारे में अधिक चिंतित था। पियर ने सुझाव दिया, कहा जाता है कि दान की शुरुआत घर से होती है, तो आइए हम हर दरवाजे पर दस्तक दें। उसने मिस्टर गोल्टिया, एक बेकर के घर पर दस्तक दी। भगवान के प्यार के लिए एक गरीब यात्री पर दया करो जिसने एक वीक से कुछ नहीं खाया है, उसने भीख मांगी। नाराज बेकर ने दरवाजा खोला और कहा, चले जाओ, आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मैं व्यस्त हूँ। उसने मजबूती से दरवाजा बंद कर दिया। तब पियर ने जीन को भेजा। सभी संतों के प्यार के लिए एक गरीब दुखी लड़के को खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, जीन रोया। इस बार बेकर की पत्नी मैरियन ने दरवाजा खोला। आप यहाँ से जाओ, मेरा पति दूर है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। घर के चारों ओर मंडराने वाले जीन ने गोटिये को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। मुझे वह बड़ी पाई दो जो हमने कल बनाई थी, मैं मेयर के साथ भोजन करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मेरी स्थिति में एक आदमी को पाई ले जाते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। मैं एक मैसेंजर भेजूंगा जिसे तुम्हारे हाथ को चूमने के लिए कहा जाएगा, उसे पाई देना। कभी कभी उपयोगी श्रवण कर लिया। यौन पीए के पास गया और कहा, बेकर का दरवाजा खटखटाओ, जब दरवाजा खुले औरत के हाथ चूमो और पाई मांगो। पीए ने ठीक वैसे ही किया जैसा उसने कहा था और पाई प्राप्त कर ली। मिशन पूरा हुआ, दोनों लड़कों ने पाई खाया। इस बीच गोल्टिया गुस्से में लौट आया क्योंकि मेयर बाहर गए थे, यह भूल कर कि उन्हें गोल्टिया के साथ भोजन करना था। लेकिन तुमने पाई के लिए एक दूत भेजा है, मैरियन रोई। तुम पागल हो, गोल्टिया ने कहा और तर्क झगड़े में बदल गया। थोड़ी देर में पियर ने जीन से कहा कि उसने रसोई में एक स्वादिष्ट टार्ट देखा है, अब तुम्हारी बारी है। चाल को दोहराएं, पियर ने कहा। जीन ने दस्तक दी और मैरियन बाहर आ गई। श्री गोल्टिया टार्ट भी चाहते हैं, उसने कहा। मैरियन अंदर गया। जो कुछ हुआ था उस पर गोल्टिया गुस्से में था, वह बाहर आया और जीन को अच्छी पिटाई दी। जीन चिल्लाया, मुझे मत मारो, पियर ने पाई ले ली, उसे यहाँ लाओ, गोल्टिया ने आदेश दिया। जीन ने पियर से कहा, महिला केवल उस दूत को तीखा देगी जो पाई के लिए आया था। पियर ने कहा, मैं ले लूंगा, और गोल्टिया के घर की ओर चल दिया। बेका के घर पर पियर की भी पिटाई हुई। तेज तर्रार, पियर ने कहा, बस मेरी बात सुनो सर, आपके आने के बाद मेयर शीघ्र ही लौट आए, वह उम्मीद करते हैं कि आप उसके साथ रात के खाने में शामिल होंगे। ऐसा क्या, उससे कहो कि मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। गोल्टिया ने कहा, टाट के बारे में क्या, पियर ने मासूमियत से पूछा। इसे मेयर के घर ले जाओ, गोल्टिया ने धूमधाम से उत्तर दिया। पियर टाट के साथ घर से बाहर निकल गया। टाट स्वादिष्ट था और दोनों दोस्तों ने एक भव्य दावत दी।